हेलो एव रूवान ये है दिसंबर 2024 की लाफ ट रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ़ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखेंगे दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ़ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ़ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकंड सेट ऑफ़ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं मे बी एंड सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड्स कहते हैं या तो कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक लव प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का गैप आप दोनों के बीच में आया तो आप कहीं उनको बहुत मिस कर रहे हैं जो भी अच्छे पल आपने पीछे उनके साथ बिताए या तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर पास्ट की किसी भी चीज़ इंसान के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं या पास्ट का कोई इंसान कोई सिचुएशन कोई चीज़ आपकी करंट लाइफ में आ रही है और कहीं देखिए जो भी हो आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और कुछ जमनीज़ के लिए ये भी हो सकता है कि एक गिल्ट वाली फीलिंग आपके मन में रह रही है अब देखिए सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा यानी कि ये गिल्ट हो सकता है कि सब जेमिनीज़ को नहीं हो रहा है बट ओवरऑल के लिए अगेन इमोशनली लो फील कर रहे हैं और कहीं यू you नो know, कुछ मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है या फिर किसी इंसान सिचुएशन को आप मिस कर रहे हैं कुछ के लिए देखिए यहाँ पे आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके एक्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर करंट पार्टनर के साथ ही जो अच्छे पल पीछे बिताए उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या किसी भी तरीके का अगर गैप आया तो फिर से मैं कहूँगी आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं डीपर लेवल के लिए मे बी का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप श्योर नहीं होते हुए दिख रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क जैसे कि कार्ड में आप देख पा रहे हैं आपके मन में कुछ चीज़ों को या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है और कहीं देखिए ओवरऑल ही अगर मैं देखूँ तो दिसंबर मंथ में एक क्लैरिटी लाने पर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोज का है क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है तो कहीं फिर से मैं कहूँगी क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कहीं इमोशंस फीलिंग्स सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन इन द प्रोसेस या तो यू you नो know, आप ओवर लॉजिकल हो रहे हैं ओवर माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा अपने इमोशंस अपने सेंटीमेंट्स को आप बैलेंस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं देखिए किंग ऑफ सोच का कार्ड थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी होने की बात करता है चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी होने की बात करता है तो कहीं यू you नो know, बहुत अथॉरिटी के साथ आप चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं लेकिन फिर से कहूँगी एक बैलेंस तरीके से अथॉरिटी अपने लिए नहीं मैंटेन कर पा रहे हैं कभी कभी होता है ना हम बहुत डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम इतने ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं कि वो भी ऑर्ड लगता है या फिर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं फिर से देखिए या तो एक अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या ओवर अथॉरिटेटिव हो रहे हैं और कहीं सेज का कार्ड क्लीनिंग नेगेटिविटी की बात करता है कहीं सेक्रेट हीलिंग स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो कुछ जेमिनीज़ या फिर काफ़ी सारे जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपको पास्ट में हर्ट करी आप उसको हील करना चाह रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रह रही है और इस नेगेटिविटी को आप क्लींस करना चाह रहे हैं क्लियर करना चाह रहे हैं लेकिन देखिए एंड दिसंबर के लिए क्रॉस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के काज कहते हैं कि आप उस तरीके से नेगेटिविटी को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि जो भी दिसंबर मंथ में हो रहा है अच्छा या बुरा कितनी बारी सरफेस लेवल पे चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही होती हैं लेकिन मन में हम उतना अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं और कितनी बारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं तो फिर तो देखिए बहुत ही हमारा एक क्लियर जस्टिफिकेशन है अगर हम नहीं अच्छा फील कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स और क्रॉस के कार्ड्स कहते हैं ख़ास दिसंबर एंड में किसी चीज़ का एक प्रेशर रह रहा है किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा बर्डन महसूस कर रहे हैं अब देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेगा लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि शायद एक रिजेक्शन या तो आप उनकी तरफ से महसूस कर रहे हैं या फिर आप उनकी किसी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं और आप मेंटली इमोशनली उनको ब्लॉक कर रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है लिटरली सोशल मीडिया पे आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो कहीं अगेन या तो आप उनको अपनी एक्टिविटीज में उतना नहीं इंक्लूड कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि वो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं और ये चीज कहीं आपको किसी भी लेवल पे अगेन परेशान कर रही है बहतर कर रही है और अब देखते हैं के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं तो देखिये आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं हार्ट एंड टू ऑफ सोड्स हार्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि सरफेस लेवल के लिए जो भी वो कह रहे हो कर रहे हो मन ही मन आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है रोमांटिक लव गिवनेस रिकन्सिलिएशन तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी इश्यूज़ मसले रहे तो वो रिकन्सिलियशन चाह रहे हैं अगर उनकी गलती रही तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनको माफ़ कर दें वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उनको ऐसा लग रहा है भाई आप उनसे माफी मांगें आप अपॉलोजाइज करें तो फिर से देखिए हार्ट का कार्ड फॉरगिवनेस की बात करता है रिकनसिलियेशन की बात करता है रोमांटिक लव की बात करता है और मन ही मन कहीं इसी तरीके की एनर्जीज हैं कहीं यू नो आपके साथ बहुत एक ब्यूटीफुल प्यारा सा कनेक्शन रिलेशनशिप वो मन ही मन चाह रहे हैं लेकिन सर्फिस लेवल के लिए टू ऑफ सोच्स का कार्ड कहता है कि उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं यानी कि जो चाह रहे हैं वैसा कर नहीं रहे हैं उनके वर्ड्स और एक्शंस नहीं मैच कर रहे हैं वर्ड्स में आपको ऐसा तो लग सकता है कि भाई पता नहीं इनके मन में प्यार है नहीं है पता नहीं ये कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं नहीं लेना चाहते लेकिन मन ही मन अगेन बहुत प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं बहुत सारी चीजें देख के अनदेखा कर रहे हैं सुन के अनसुना कर रहे हैं एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए एक अकेलापन वो या तो चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं और देखिए किसी भी चीज को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं अब फिर से देखिए ये सब जेमिनी के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए या फिर मैं कहूँगी इक्का दुक्का के लिए लिटरली हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में आगे कोई फ्यूचर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको परस्यू करने का तो कहीं किसी लेवल पर रिलेशनशिप एंड करना चाह रहे हैं अब देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें ये दिसंबर मंथ की एनर्जीज नहीं है ये आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेथ के कार्ड का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप एंड हो गया या फिर उन्होंने एंड कर दिया बट येस yes, उनकी इस तरीके की एनर्जीज़ रह सकती हैं या फिर मैं कहूँगी कुछ या इक्का दुक्का जमिनी के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं जहाँ पे वो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप को एंड कर दो ज़्यादा बेहतर है और देखिए कहीं टॉवर का कार्ड बाउंड्रीज़ की भी बात करता है इमोशनल डिस्टेंस की बात करता है कंट्रोलिंग लवर की बात करता है तो आप दोनों ही किसी ना किसी लेवल पे काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं और कहीं आपके पार्टनर के लिए देखें जेमनीस या तो एक बाउंड्रीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं आपके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं या फिर काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए वो नहीं हो पा रहा है वो नहीं वो कह पा रहे हैं और इसलिए भी हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप एंड कर दो या फिर उनको ये भी लग सकता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो गया और ये चीज़ भी कहीं उनको बॉडर कर सकती है एंड एंड दिसंबर के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टाइम के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हो चीज़ों को डील कर रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि भाई सब्र रखें और सब्र से काम लेना है बहुत इम्पल्सिव नहीं होना है जल्दबाजी नहीं करनी है तो फिर से देखिए इसी एनर्जी के साथ वो चीज़ों को डील कर रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है दिसंबर एंड में इनफैक्ट मैं कहूँगी पूरे ही दिसंबर मंथ में कि वो उतने एक्शन नहीं ले रहे इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे पता नहीं उनके मन में आपके लिए प्यार है या नहीं है तो यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं ये yes, डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए प्यार है और Uh, कहीं ही यू नो एक अकेलापन भी वो महसूस कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई एक्शन लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं खाम खा इनिशिएटिव लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो थोड़ा सा सब्र थोड़ी सी पेशेंस के साथ वो चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अब देखते हैं जेमनीस कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड चाइल्ड के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने पॉज लिया हुआ है और देखिए आपके पार्टनर के लिए तो टू ऑफ सोस के कार्ड में हमने देखा ही कि वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और कहीं बिल्कुल भी एक्शन इनिशेटिव नहीं ले रहे हैं वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा रिजिड भी हो सकते हैं दिसंबर मंथ में फिक्सेटेड भी हो सकते हैं ज़िद्दी भी हो सकते हैं मन ही मन अगेन प्यार महसूस कर रहे हैं लेकिन एक्शन इनिशेटिव नहीं ले रहे हैं और आपके लिए हमने देखा कि आप बहुत मिस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कि दिसंबर स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा पॉज लिए हुए हैं और क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए क्या उनको डिसीजंस और चॉइसेस लेने चाहिए उनके बारे में सोच रहे हैं चाइल्ड का कार्ड कहता है कहीं इमेच्योर एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक की रह रही हैं या फिर चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं एंड देखिए मिड दिसंबर से लेकर एंड दिसंबर तक चीज़ें कहीं किसी लेवल पे बेटर हो होंगी लेकिन आप दोनों की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं कभी कभी क्या होता है ना पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि सरफेस लेवल पे जब चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में एक डर होता है कि पता नहीं फिर से दोबारा उस तरीके से चीजें ना हो जाएं तो देखिए कुछ के लिए यह भी एक रीज़न रह सकता है कि दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ बेहतर होने के बावजूद भी आप दोनों की बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं तो एंड सॉरी मिड दिसंबर के लिए द वर्ल्ड एंड बुके के कार्ड्स कहते हैं कि एंडिंग बिगनिंग अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं अब आप देखिए तो आपके पार्टनर के लिए डेथ का कार्ड भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है हालांकि डेथ का कार्ड नेगेटिव सेंस में एंडिंग की बात करता है वर्ल्ड का कार्ड कहीं एक पॉजिटिव सेंस में एक फेज़ के ख़त्म हो के नए फेज़ के शुरू होने की बात करता है क्योंकि डीपर लेवल के लिए बुके का कार्ड है तो कहीं ये एज अ सरप्राइज भी आप दोनों के लिए आ सकता है यानी कि आप दोनों को एकदम से लग सकता है कि यार ये तो हमने नहीं सोचा था ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब एक सरप्राइज वाली फीलिंग हो सकती है आप हैरान हो सकते हैं थोड़ा सा कि अरे ये कैसे हो गया ये तो यू नो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सो बुके इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को गिफ्ट दे रहे हैं एंड हैप्पी रिलेशनशिप सरप्राइज गिफ्ट ब्लॉसमिंग लिखा हुआ है इस कार्ड में तो किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में आ सकती है और रीज़न अगेन सबके लिए डिफर करेगा लेकिन वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि एक फेज खत्म हो रहा है नया शुरू हो रहा है तो जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप था जैसे अगर रिलेशनशिप में डेट एक दूसरे को कर रहे थे तो फिर कमिटमेंट हो सकता है आए और अगर कमिटमेंट ऑलरेडी थी तो हो सकता है मैरिज से रिलेटेड बातचीत हो तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया है जिस भी फेज़ में आपका रिलेशनशिप था नेक्स्ट फेज़ पे आप दोनों लेकर जाना चाह रहे हैं या फिर लेकर जा रहे हैं या उस डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं टू ऑफ वन्स का कार्ड भी कहीं आगे बढ़ने की बात करता है ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात करता है तो फिर से ये कार्ड कहता है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों लेकर जाना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन विप का कार्ड कहता है कि थोड़ी फाइट्स हो सकती हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और कहीं एक रिपीटेटिव सा पैटर्न आप लोग महसूस कर सकते हैं होता है ना कभी कभी कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर बाद लगता है फिर हम वहीं पर ही आ गए तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं जेमिनीज इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें क्योंकि देखिए इस रिपीटेटिव पैटर्न को अगर आप तोड़ पाएंगे तो चीज़ों को भी बेहतर कर पाएंगे तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लव टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें